नमस्कार आप सभी लोगों को। तो हम सेकंड एपिसोड में हैं इस सीरीज के, दैट इज जेई रिवीजन। और हम यहाँ पे दो क्वेश्चन देखेंगे, एक थोड़ा मोमेंट ऑफ इनर्शिया और वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम के ऊपर है, और एक और मैग्नेटिक फील्ड और एक लूप और कॉइल के ऊपर, थोड़ा रेशियो वगैरह का ये है तो क्वेश्चन है। तो हम पहले इसी क्वेश्चन से शुरू करते हैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये कह रहा है कि वन ऑफ द टू आइडेंटिकल कनेक्टिंग वायर्स ऑफ लेंथ एल इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कुलर लूप एंड द अदर वन इनटू अ कॉइल ऑफ एन टर्न्स ऑफ इक्वल रेडियस। इफ द सेम करंट इज पास्ड इन बोथ द वायर्स, ऐसा बोलना चाह रहे हैं, द रेशियो ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द लूप दैट इज बी एल, दैट इज नथिंग बट मैग्नेटिक फील्ड जो बी से रिप्रेजेंट किया जाता है वो लूप के लिए, और टू दैट ऑफ द सेंटर ऑफ कॉइल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सेंटर, दैट इज रेशियो ये पूछ रहे हैं। तो हम थोड़ा डायग्रामेटिकली इसको देखते हैं। पहला कह रहा है कि लेंथ एल का एक वायर है, इसका लेंथ एल है और इसको एक लूप में ऐसे मोड़ दिया गया है, और इसका रेडियस ये हम सब इसको देखेंगे। और एक और कह रहे हैं कि ऐसे ही एक और वायर लिया है और उसको एक कॉइल में बनाया है और सबका रेडियस सेम ही है, लेकिन इसका रेडियस इससे छोटा होगा ना, ये तो हमको पता है। तो इसे इसका रेडियस जो कुछ भी है और इसमें एन टर्न्स है, ऐसे एन टाइम्स इसको रोटेट किया गया और इसको बनाया गया है, और इसके सेंटर पे हमको जब सेम करंट आई और इसमें भी आई जब दिया जाएगा, तब इसमें क्या मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर होगा और इसमें क्या मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर होगा वो हमें पता करना है, और उसके बाद उन दोनों का रेशियो लेना है, और इन चारों ऑप्शन में किसी एक आंसर होगा। ठीक है, तो पहले हम शुरू करते हैं, पहले इस वाले से देखते हैं। इसका फॉर्मूला हमको पता है कि बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई टू आर, ये हमको पता है। ठीक है, और इसमें ये पता है कि ये म्यू नॉट एक परमिबिलिटी कांस्टेंट है, आई करंट है और रेडियस इसका ये है। उसके बाद हम फॉर्मूला इसके देखते हैं, इसको बी वन और इसको बी टू कहते हैं, और बी टू का हमको पता है कि म्यू नॉट एन आई बाई टू आर, यहाँ पे एन टर्न्स है इसीलिए एन आएगा बस। तो हम इसको डिवाइड करेंगे बी वन डिवाइडेड बाई बी टू, और हम इसको जब करेंगे म्यू नॉट आई बाई टू आर इंटू टू आर डिवाइडेड बाई म्यू नॉट एन आई, टू आर म्यू नॉट आई ये कैंसिल होगा और वन बाई एन, लेकिन ये आंसर बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, मैं इतना आप कर रहा था कि ताकि आप फॉलो करें और फिर आपको समझ जाए कि ये गलत क्यों है। मैंने शुरू में एक हिंट दिया था कि इन दोनों का रेडियस अलग है। ठीक है, तो अगर अलग है तो हम करेंगे क्या करना है हमको, यहां तक हम रहेंगे लेकिन हम R और R को कैंसिल नहीं करेंगे, इसको R1 और इसको R2 कहेंगे हम। ठीक है, इसको R2 सॉरी इसको R1 क्योंकि रेशियो इनवर्स हुआ है, तो हमारे पास R2 बाई R1 N इतना हमारे पास बचा है। अगर हमने सिर्फ R2 और R1 का रेशियो पता कर लिया तो हमारा आंसर आराम से आ जाएगा। ये कैसे पता करें, इसके लिए हम शुरू से देखते हैं। क्वेश्चन में दिया कि एक लेंथ है उसका L, उसको मोड़ दिया गया है, कितने में मोड़ा है इस सर्कल, तो सर्कल का सर्कमफेरेंस क्या होता है 2 पाई r, सो ये हमारा एक इक्वेशन है, और इसी लेंथ के वायर को हमने इसमें कन्वर्ट किया है, इसका क्या है 2 पाई r r डैश इंटू एन। ठीक है, लेकिन दोनों तो L ही है ना, इसीलिए 2 पाई r इज इक्वल टू 2 पाई r डैश एन, 2 पाई 2 पाई कैंसिल, और हमारे पास बचा है कि r इज इक्वल टू आर डैश टाइम्स एन, ये आर आर वन है और ये आर डैश आर टू है, ऐसे ही हमको लिखना है। तो हम आर वन को आर टू से इससे सब्स्टिट्यूट करेंगे, आर टू डिवाइडेड बाई आर वन के बदले हम आर टू एन लिखेंगे, आर टू एन और एक और एन है जो मल्टीप्लाई हो जाएगा और एन स्क्वायर मिलेगा, तो आर टू कैंसिल और हमारे पास बचेगा एन स्क्वायर, तो हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ जाएगा होगा, और ये फॉर्मूलाज याद कर लीजिए, उसके बाद सब कुछ काफी आसान है, सिर्फ इसको करना मत भूलें, ये मैं कहना चाहता हूँ। तो अब हम सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। ये कह रहा है कि अ रॉड ऑफ लेंथ 50 सेंटीमीटर इज पिवोटेड एट वन एंड, इट इज रेज्ड सच दैट इट मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री फ्रॉम हॉरिजॉन्टल एज शोन।
एंड रिलीज फ्रॉम डस्ट इट्स एंगुलर स्पीड व्हेन इट पासेस थ्रू द हॉरिजॉन्टल विल बी. तो क्या क्या रहे कि ये हॉरिजॉन्टल है और एक रॉड है जिसका लेंथ एल है 50 सेंटीमीटर जो कुछ भी दिया गया है. इसको हम एक एंड से ऐसे उठा के यहाँ पे पिवट किया गया, ये एंड मूव नहीं करेगा. यहाँ से लेके 30 डिग्री एंगल तक का हम इसे मूव करेंगे और फिर एकदम इसे छोड़ देंगे. तब ये यहाँ से नीचे आएगा और अगर सर्कल कंप्लीट, अगर उसके पास एनर्जी है तो कंप्लीट करेगा, नहीं तो नहीं करेगा. वो हमें बिल्कुल भी उसके चिंता करने की जरूरत नहीं है. लेकिन हमें ये पूछना है कि जब छोड़ेंगे और ये जब नीचे आना शुरू हो जाएगा, तब जब हॉरिजॉन्टल को पास करेगा तब उसका वेलोसिटी क्या है, इतना हमें पूछ रहे हैं. तो पहले हम देखते हैं कि इसका सेंटर ऑफ मास किधर है. इधर होगा, दैट इज एल बाई टू डिस्टेंस पे होगा, यहां से एल बाई टू पे होगा कि नहीं होगा. बिल्कुल होगा, ठीक है. और हम इस देखते हैं कि हम इसका मास m ऐसे अज्यूम करते हैं, ठीक है. वैसे भी फाइनली कैंसिल होने वाला है और इसका मास m लेते हैं. और पहले अज्यूम करते हैं कि ये पहले हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे था, नीचे जमीन पे था और फिर उसे उठाया गया है. पहले ऐसे था तो इसका अगर यहाँ पे हम पोटेंशियल एनर्जी जीरो लें तो अगर यहाँ पे उठाया तो तभी पहले इसका ये सेंटर ऑफ मास इधर था, फिर अभी यहाँ इतना ऊपर गया है, ये डिस्टेंस h डिस्टेंस ऊपर गया है, ठीक है. तो पहले यहाँ पे एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी जीरो था और यहाँ पे कुछ पोटेंशियल एनर्जी आया है. पोटेंशियल एनर्जी हम कैलकुलेट कर लेते हैं जो है हाफ एम जी एच, ठीक है. तो इसका मास m है और g है और h क्या है ये हमें पता करना है. तो इसका पोटेंशियल एनर्जी, जो पोटेंशियल एनर्जी कह सकते हैं या फिर वर्क डन टू लिफ्ट इट या वर्क डन टू गेट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, ऐसे भी बोल सकते हैं, वो क्या है mg into, क्या है इसका लेंथ l बाई टू, या मैं सेंटर ऑफ मास की बात कर रहा हूँ, l बाई टू डिस्टेंस पे है और कितना गया है l बाई टू साइन 30 डिग्री, ठीक है. l बाई टू आई एम सॉरी ये वाला डिस्टेंस, इसका दो कंपोनेंट होगा, वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल. तो वर्टिकल डिस्टेंस हमको चाहिए क्योंकि वही तो हमारा h है. तो वो l बाई टू इंटू साइन 30 डिग्री जो है हमारा वर्टिकल डिस्टेंस, दैट इज h, ठीक है. mg h इतना हमारे पास है. ये वर्क डन टू लिफ्ट इट इतना हम कह सकते हैं. और जब रोटेट करेंगे तो हमें पता है कि जब इसे छोड़ देंगे तो सारा पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा और हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे सारा पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगा और काइनेटिक एनर्जी जितना मैक्सिमम होना है उतना हो जाएगा. तो वर्क डन जो पहले था, हमने जितना लिफ्ट किया वो होना चाहिए काइनेटिक एनर्जी के बराबर. तो वो कितना है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर. या तो ऐसे सोच लो या फिर हम वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम भी लगा सकते हैं जिसका फॉर्मूला है इनिशियल ऐसे लिखते हैं, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क डन ड्यू टू नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस इज इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी यू आई प्लस के प्लस वर्क डन ड्यू टू एनसीएफ दैट इज नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, जैसे फ्रिक्शन हो गया और अलग तरह के फोर्सेस हैं, इज इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी. इनिशियल पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो है, वर्क डन ड्यू टू नॉन कंजर्वेटिव फोर्स ये भी जीरो है क्योंकि फ्रिक्शन वगैरह यहाँ पे नहीं है. तो पोटेंशियल एनर्जी हो गया ये और फाइनल काइनेटिक एनर्जी है और पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गया. तो ऐसे ये फॉर्मूला भी आप आराम से यूज कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है. तो उसी से ही हम यहाँ पे आए हैं. या तो एनर्जी से सारा पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो गया ऐसे देख सकते हैं, या तो फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, पूरी आपकी मर्जी है. तो ये क्या है, इसको हम सब्स्टिट्यूट करते हैं. एम जी एल बाई साइन 30 क्या होता है, साइन 30 वन बाई टू होता है, सो एल बाई फोर. एम जी एल बाई फोर इज इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर. तो ये टू और इससे कैंसिल हो जाएगा और फोर से टू डिवाइड हो जाएगा और हमें मिल जाएगा ओमेगा इज इक्वल टू एम जी एल डिवाइडेड बाई टू आई और इसका स्क्वायर रूट. अगर इसमें हम वैल्यूज फिट करें तो हमें हमारा आंसर आ जाना चाहिए, ठीक है. तो m इंटू 10 इंटू 50 डिवाइडेड बाई 2 इंटू i क्या है, i को हमें क्या लाना, i है मोमेंट ऑफ इनर्शिया. अगर इस डायग्राम में देखें तो हम क्लियरली देख सकते हैं कि एट द एंड इसमें पिवोटेड हुआ है. तो एक्सिस एक एंड है, अगर एंड है तो फॉर्मूला क्या है, ml स्क्वायर बाई 3. अगर सेंटर है, सेंटर ऑफ द मास पे एक्सिस में घूम रहा है तो तब होगा ml स्क्वायर बाई 12. तो इस केस में हमें ml स्क्वायर बाई 3 लेना है. तो m इंटू एल स्क्वायर दैट इज 50 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3. अगर डिवाइड करूंगा तो ये ऊपर जाएगा और यहाँ पे हमें 3 आ जाएगा. तो एक 50 एक 50 कैंसिल हो गया, m और m कैंसिल हो गया और हमारे पास बचा है स्क्वायर रूट ऑफ 30 बाई 2.
ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ आ जाएंगे, आ जाया होंगे। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपने इससे कुछ सीखा है तो प्लीज लाइक और शेयर करना मत भूलना अपने फ्रेंड्स के साथ। और अगर पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलना। और इसी से मैं इस वीडियो को एंड करना चाहता हूँ। और धन्यवाद इस वीडियो देखने का, बहुत बहुत धन्यवाद।